सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज की जो वीडियो है उसमें हम एक और टॉपिक लाए हूँ एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के बारे में ही। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसको आप अपने बेस्ट एफिशिएंट कैसे रख सकते हैं कि जैसे कि वो आपको मैक्सिमम ठंडक दे, एफिशिएंट रहे, कोई बैड ओडर्स ना आए और कोई प्रॉब्लम ना आए आपको आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम से रिलेटेड। सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए और मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स बताऊँगा जिसमें आप अपना एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि वो आपका सबसे बेस्ट वर्क करे। सो स्टे ट्यून्ड। तो जो पहली चीज़ जिसको हम चेक करेंगे वो है बेसिकली आपका ये जो ग्रिल आप देख सकते हैं, ये ग्रिल जो होती है ये क्या इसका काम होता है, ये जो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है या कार के अंदर जितनी भी एयर जो सक होती है वो यहीं से होती है। ये पूरी जो ग्रिल आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं ये हर कार में प्रेजेंट होती है आपके बोनट और विंडशील्ड के बीच में। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको चेक करना है कि कोई डिब्रीज या फिर किसी टाइप का कोई कचरा जो पत्ते हो जाते हैं सूखे हुए और वो सब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड ना हो, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेंगे तो एक तो ये है कि यहाँ पे एयर ठीक से अंदर आएगी ही नहीं, अंदर एयर ठीक से पहुँचेगी ही नहीं। और दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये एयर के साथ साथ ये आपके एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर एंटर कर जाते हैं और नीचे एक फिल्टर होता है जिसके बारे में अभी आपको बताऊँगा, उसको जाम कर देते हैं। तो ये दोनों तरीके से ही प्रॉब्लम रहते हैं और कि बेटर रहेगा कि अगर आप इसको यहाँ पे साफ़ कर लीजिए, जितना भी अगर कचरा या कूड़ा कोई इकट्ठा हो रहा है तो उसको क्लीन कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, अच्छी एफिशिएंट रहेगा आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम। और इसके साथ साथ जैसे कभी भी कार वॉश कराएं तो यहाँ पे अच्छे थोड़े से प्रेशराइज्ड पानी इसमें डाल दीजिए, कोई आपका पानी अंदर नहीं जाता, बस ये कवर्ड सिस्टम होता है, इसमें अगर जो भी कचरा होगा वो नीचे आ जाएगा बजाय कि आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर एंटर करना है। सो इसको भी देख लीजिए। सो जो सेकेंड चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है केबिन एयर फिल्टर। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी कार में ये यहाँ लगा हुआ है, ये एक्चुअली कार टू कार वेरी करता है, कई कार्स में यह डैशबोर्ड में जो आपका ग्लव बॉक्स होता है उसके पीछे होता है, कईयों में नीचे होता है, अब मेरी कार में यहाँ पर लगा है। तो अब मैं बताऊँगा इसको ओपन कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लिप है, इसको ओपन कर लीजिए ऐसे, ये इसका कवर बाहर आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फ़िल्टर है इसको सीधा स्लाइड आउट कर लीजिए, ये देखिए ये रहा फ़िल्टर। तो इसमें अभी इतनी गंदा तो ये है नहीं पर फिर भी मैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ एक बार, इसको झाड़ देता हूँ। और अब झाड़ने आपने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, हर अलग अलग टाइप के होते हैं, मेरे वाले में तो आप वॉश कर सकते हैं, उसी तक कईयों में वॉश ना करना हो, कईयों में सिर्फ चेंज करना पड़े। तो एक बार आपने क्लीन कर दिया उसके बाद आपने इसको जैसे निकाला था वैसे ही आपने इसको फिट कर देना है। वो मैं बताता हूँ कैसे, इसमें बेसिकली दोनों साइड्स ग्रूव बने हुए हैं मेरे वाले में, तो क्योंकि ये प्लास्टिक का फिक्स है तो इसमें ग्रूव्स बने हुए हैं, ये देखिए ये ऐसे वापस चला जाएगा, आप उन ग्रूव्स के हिसाब से इसको फिट कर दीजिए। तो ये एक मिनट में इसको लगा देता हूँ, बस इसको ऐसा आपने एक बार लगा दिया फिर आप इसको सीधा ऐसे प्रेस कर दीजिए तो ये फिक्स हो गया। देखिए केबिन एयर फिल्टर को क्लीन करना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर वो जो वहाँ ग्रिल थी जो मैंने आपको बाहर दिखाई, अगर उसमें से कोई भी पत्ते या फिर कोई इंसेक्ट्स या कुछ कोई प्लास्टिक के पीसेस या छोटा पेपर वो जो भी एंटर करता है वो यहीं पे आके वो रुक जाता है जिससे कि वो इवेपोरेटर में ना जाए। अगर आप इसको क्लीन नहीं करेंगे तो ये जितने भी डर्ट है ये आपके इवेपोरेटर में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगी, और इवेपोरेटर में एक बार एक्यूमुलेट होगी तो पहली बात तो उसको आप क्लीन इजीली कर ही नहीं सकते, आपको मैकेनिक और किसी पेड आपको सर्विस करवानी पड़ेगी जिससे कि वो उसको क्लीन करेंगे। और उसमें क्या होगा कि वो धीरे जाके उसमें आपको जो एयर फ्लो है जो आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जो यहाँ से जो हवा आएगी ये इसमें जाके इंटरफेयर करेंगे, उसकी हवा जो है उसकी कूलिंग जो एफिशिएंसी है उसको ये कम करेंगे। तो आपको सिंपल सा देखना है, आप महीने दो महीने में एक बार उसको क्लीन कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो जैसे भी हमने क्लीन किया आप देख सकते हैं कि कैसे ये डर्ट इस फिल्टर में से सारी निकली थी। अब ये डर्ट वगैरह अगर एक टाइम तक अगर आपके इसी में ही अक्यूमुलेटेड रहेगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे इसमें मॉइस्चर भी डेवलप होगा और उस मॉइस्चर से बैक्टीरिया भी डेवलप हो जाएगा। उस बैक्टीरिया से जब आप नोट करेंगे, जब भी आप अपना एसी चलाएंगे थोड़ी देर के बाद तो उसमें से काफ़ी फाउल स्मेल आएगी और वो काफ़ी प्लीजिंग स्मेल नहीं होगी। तो आप इसको क्लीन कर लेंगे तो ऐसी इस साइड की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, आपको कोई एसी सर्विसेज के लिए आपको कोई पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, आप ये चीज़ें खुद भी घर पे कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है वो है बेसिकली आपकी गाड़ी के फ्रंट में जो है ये है बेसिकली आपकी कार का कंडेंसर। ये दो लेयर्स होती हैं इसकी, फर्स्ट है कंडेंसर और इसके जस्ट पीछे होता है रेडिएटर।
तो इस कंडेंसर का क्या काम होता है, ये बेसिकली आपके जो गर्म जो कूलेंट है और जो गर्म रेफ्रिजरेंट है जो एयर कंडीशन सिस्टम में डलता है, ये उसको कूल करता है, क्योंकि कार के आगे फ्रेश एयर पास होती है, ठंडी एयर कार के आगे से निकलती है। तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े गैप्स हैं, तो इससे क्या होता है, कोई भी पॉलिथिन लीव्स या फिर इंसेक्ट्स जाके इसमें जमा हो जाते हैं। आप जब भी कोई रोड ट्रिप्स आएंगे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारा डर्ट वर्ट इकट्ठा हो जाएगा इसमें, जो एयर फ्लो को रोकेगा, और एयर फ्लो को रोकेगा तो उससे एफिशिएंट हीट डिसिपेट नहीं होगी, तो जिस जहाँ पे हीट डिसिपेट नहीं होगी वहाँ पे ऑब्वियसली डेफिशिएंट कूलिंग भी नहीं होगी। तो इसको साफ़ करने का सिंपल सा तरीका है, अपनी गार्डन होस ले लीजिए या प्रेशराइज्ड अगर आपके पास पंप सिस्टम है या कोई भी है, तो उसको अच्छे से प्रेशर से पानी इसमें मार लीजिए, उससे सारा जो डर्ट है, सारा जितना भी कचरा है वो सब इससे साफ़ हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। फिर अगर कोई चीज़ें फिर भी नहीं निकले तो कोई स्पंज ले लीजिए या कोई ब्रश ले लीजिए, उससे इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। और आप देखें, आप उसके बाद कंसिडरेबल नोट करेंगे कि आपने आपका कितना एयर कंडीशन सिस्टम एफिशिएंटली वर्क कर रहा है इसको क्लीन करने के बाद। नाउ अब हम जो चीज़ चेक करेंगे वो है बेसिकली आपका रेडिएटर का फ़ैन। मैंने जो आपको अभी कंडेंसर और रेडिएटर दिखाया, उसके पीछे मतलब इंजन की साइड में एक फ़ैन होता है जो उसकी हीट डिसिपेशन में हेल्प करता है। तो अब हम चेक करेंगे कि वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। उसके लिए सिंपल था, आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कीजिए, एसी को फुल पे ऑन कीजिए और एसी का बटन दबा दीजिए और अपने चलिए बोनट की तरफ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है बेसिकली रेडिएटर का फैन, आप सुन भी पा रहे होंगे इसकी आवाज़ यहाँ के, ऐसे चेक कर सकते हैं आप कि यहाँ पे इसमें से ये चल रहा है या नहीं, इसकी आवाज़ भी आ जाती है और देख सकते हैं काफ़ी गर्म हवा निकल रही है इसमें से, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप देख लीजिए कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, नहीं तो इसको ठीक करवा लीजिए, क्योंकि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है आपके कार में। एक बार आपने फैन को भी चेक कर लिया, उसके बाद अपनी ये कार की बेल्ट भी चेक कर लीजिए कि इसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है या ये कहीं से फटी तो नहीं हुई, कहीं से ख़राब तो नहीं हो रही। अब इसको चेक करने का मकसद क्या है कि आप ये नीचे देख सकते हैं, ये है आपका एसी का कंप्रेसर और ये बेल्ट है उससे कनेक्टेड, ये बेल्ट ही है जो कंप्रेसर को घुमाती है और कंप्रेसर घूमता है तभी आपका एयर कंडीशन सिस्टम वर्क करता है। ये सेम प्रिंसिपल होता है आपका, चाहे विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे कार का एयर कंडीशन सिस्टम हो। अब अगर ये बेल्ट ख़राब होगी तो ये क्या करेगी, ये बेल्ट स्लिप होगी इन व्हील्स के बीच में, और एक बार अगर ये स्लिप होगी तो आपका जो कंप्रेसर है ये ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक से घूम नहीं पाएगा। उससे दो मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक तो ये है कि इंजन का कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है इससे, और सेकंड है एसी तो वर्क करेगा ही नहीं करेगा और साथ साथ आपका कंप्रेसर भी जल सकता है इससे। तो इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। जनरली कार्स में 50 to 60,000 किलोमीटर्स पर ही चेंज होती है, ये सर्विस में रिकमेंडेड होता है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। वहाँ ऑटोमेटिकली अगर आप सर्विस सेंटर ही कार्स को देते हैं तो उनने अपने आप ही इसको ठीक कर देंगे। अब जो थर्ड थिंग हम जिसके बारे में चेक बात करेंगे वो है इंजन का इंजन कूलेंट। ये जो रिजर्वोयर है ये है इंजन कूलेंट का, इसमें हम देख सकते हैं लो और फुल की मार्किंग्स हैं। तो इसका क्या काम होता है, कूलेंट बेसिकली आपको इंजन को ठंडा रखता है। ये कूलेंट रेडिएटर के थ्रू निकलता है और इंजन के थ्रू भी निकलता है, और ऐसे एक साइकिल बनाता है जिसमें ये फैन से आग निकलेगा, फिर इंजन से निकलेगा और उसे इंजन को ठंडा रखता है। अब इसका आप पूछेंगे कि एयर कंडीशन सिस्टम से क्या कनेक्शन है, तो इसका ये कनेक्शन है कि इन केस अगर आपका कूलेंट कम है या कूलेंट पुराना है तो उससे क्या होगा, जो आपका कार का ECU है वो जज कर लेगा। जैसे हम मानते हैं कि कूलेंट है कम, तो क्या करेगा, आपका कार ओवर हीट हो गई, इंजन ज़्यादा ओवर हीट होगा, तो उसमें आपका ECU जो है, कार का जो कंप्यूटर है, वो इस चीज़ को जज कर लेगा कि किसी न किसी प्रॉब्लम से कार का टेम्परेचर हाई हो रहा है, इंजन ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो उसमें क्या करेगा, वो सबसे पहले कंप्रेसर बंद करेगा, वो कोशिश करेगा कि जितनी चीज़ें हो सकती हैं जो कंट्रोल हो सकती हैं उनको बंद कर दे। इंजन तो बंद करेगा नहीं, पर आपका कंप्रेसर ज़रूर बंद कर देगा वो, तो उससे आपका एयर कंडीशन सिस्टम वहीं बंद हो गया। तो एसी का रेफ्रिजरेंट तो अलग चीज़ है और गाड़ी का कूलेंट भी होना बहुत एक ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अब जो नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका एसी का रेफ्रिजरेंट। यही है जो आपको एसी में जो ठंडा कॉज करता है वो यही है। अगर आपने अभी तक के जितने भी स्टेप्स हैं आपने ये चेक कर लिए, आपने सब देख लिया कि हाँ मेरा रेडिएटर भी साफ़ है, मेरा केबिन एयर फिल्टर भी साफ़ है, मेरी बेल्ट भी ठीक है, सब ठीक है, उसके बावजूद भी जितनी ठंडक होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है वो कम हो गया है। तो बेसिकली आप इसमें दो नॉब देख रहे हैं, एक ये रहा नॉब और दूसरा नॉब ये रहा।
तो होता क्या है, ये आप खुद से तो चेक नहीं कर सकते, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीन चाहिए होती है। तो आप किसी भी जो एसी की सर्विस करते हैं या फिर आप जहाँ से अपनी कार की सर्विस कराते हैं, अब वहाँ जाइए, वहाँ उनको बताइए कि मेरा एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा ठीक से, शायद गैस की कमी है, तो अब वो आपका रेफ्रिजरेंट भर देंगे या हो सकता है कोई लीक हो तो उसको इमिजिएटली ठीक कर देंगे। सो आई होप जो मैंने अभी वीडियो बनाया, ये जो मैंने पॉइंट्स कवर किए, ये आप लोगों की हेल्प करें, आप लोग एसी की एफिशिएंसी बढ़ाएं। आप अगर जो आप सोच रहे थे कार का एसी अच्छा है ही नहीं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट हो जो जिसकी वजह से वो ठीक से वर्क ना कर पा रहा हो और आपने ये चीज़ कभी पहले सोची ना हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल के लिए, जिससे के लिए मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और बना के लाता रहूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।